कार्तिक आर्यन ने अपनी फीमेल को-स्टार्स को लेकर दिया एक बड़ा बयान। कार्तिक आर्यन का अपनी फीमेल को-स्टार्स को लेकर दिया गया एक बयान सुर्खियों में है। कार्तिक कई ए लिस्ट एक्ट्रेसेस लाइक कृति सैनन, सारा अली खान, कियारा आडवाणी, तबू के साथ पास्ट में कर चुके हैं काम। ऐसे में फीमेल कलीग्स को लेकर पूछे गए तृप्ति दिमरी के एक सवाल पर कार्तिक ने कैंडिडली दिया जवाब। कार्तिक आर्यन ने बताया कि आखिर उन्हें अपनी फीमेल को-स्टार से क्या सीख मिली। वेल, कार्तिक आर्यन और तृप्ति दिमरी जल्द ही एक साथ नजर आने वाले हैं मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 में। इसके अलावा दोनों एक रोमांटिक फिल्म पर भी काम शुरू करने जा रहे हैं। रिसेंटली ये डुओ एक पॉडकास्ट पर अपीयर हुआ, जहां तृप्ति ने कार्तिक आर्यन से उनकी फीमेल को एक्टर्स को लेकर एक ऐसा सवाल किया जिस पर कार्तिक का रिएक्शन छा गया। तृप्ति ने कार्तिक से पूछा कि अब तक उन्होंने अपनी फीमेल को-स्टार से क्या लेसन लिया है जिनके साथ वो काम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग हर एज वेल। कार्तिक ने इस पर जो कहा वो सभी का दिल जीत रहा है। दरअसल कार्तिक ने रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी सभी फीमेल कलीग्स की तारीफ की। उन्होंने कहा, आई हैव नेवर सेड दिस बट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आर मेड बाय ऑल माय फीमेल को-स्टार्स स्पेशली। बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों से ज्यादा। फॉर देम इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैलेंट और द लुक्स। यानी कार्तिक ने ना उनके साथ काम करने वाली फीमेल स्टार्स को ना केवल प्रेस किया बल्कि ये भी एडमिट करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस अपने मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा काम करती हैं। कार्तिक ने आगे कहा, आई कांट इमेजिन माई सेल्फ वियरिंग स्टिलेटोस, मैनेजिंग माई फ्लिपिंग हेयर एंड डांसिंग ऑल एट द सेम टाइम व्हाइल आल्सो गिविंग एक्सप्रेशंस एंड थिंकिंग अबाउट द सीन। दे हैव सो मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। इफ आई हैड टू डू ऑल ऑफ दिस आई वुड हैव गॉटन नर्वस। आई वुडंट हैव बीन एबल टू फोकस ऑन एक्टिंग। आई ऑल्सो फील दैट देयर थॉट प्रोसेस इज वेरी ब्रॉड। देयर हार्डवर्क इज मच मोर देन आवर्स आई फील। वेल, कार्तिक का ये स्टेटमेंट हेडलाइंस बना रहा है। वैसे आपको बता दें, कार्तिक बॉलीवुड के उन मेल एक्टर्स में से हैं जिन्हें एक्ट्रेसेस से ज्यादा पे मिलता है एक फिल्म के लिए। पर अब जब खुद कार्तिक ने फीमेल्स के हार्डवर्किंग होने की बात कही है तो क्या इससे उनके फीस पर पड़ेगा कोई असर? क्योंकि हमेशा से बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेसेस को मिलने वाली फीस में ह्यूज डिफरेंस देखा गया है। करीना कपूर खान के सासी रिएक्शन ने किया एक यूजर की बोलती बंद की। वेल, करीना ने फनी पोस्ट रीशेयर की है जिसमें लिखा है कि वेकेशंस पर पेरेंट्स अपने बच्चों पर येल करके जो मेमोरीज बनाते हैं उसका कोई प्राइस टैग नहीं होता, और जिस पर अब बेबो का बिंदास रिएक्शन लाइमलाइट में है। करीना कपूर खान कभी अपने समर वेकेशंस नहीं करती है मिस। इस साल भी वो अपने हस्बैंड सैफ अली खान और चिल्ड्रन तैमूर और जय के साथ इंडिया के बाहर एक अनडिस्क्लोज्ड बीच लोकेशन पर गई है टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। यहाँ से उन्होंने अपने फैमिली के साथ फन टाइम की मल्टीपल ग्लिम्सेस शेयर की है। इसी बीच करीना के हाथ एक फनी पोस्ट लगी जिसे ना सिर्फ उन्होंने रिपोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पर बल्कि उस पर हिलेरियसली रिएक्ट भी किया है। दरअसल पोस्ट में लिखा है, श्योर वेकेशंस कैन बी एक्सपेंसिव बट यू कांट पुट अ प्राइस टैग ऑन द मेमोरीज यू मेक येलिंग एट योर किड्स इन यूनिक एंड ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। ऐसे में करीना, जो खुद भी अपने किड्स के साथ छुट्टियां मना रही है, उन्होंने अपने प्रोफाइल पर दूसरे पेरेंट्स के लिए भी रीड और लाफ करने के लिए इसे रीशेयर कर दिया, और करीना ने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा, टू गुड। आपको बता दें, करीना कपूर खान ने अपनी वेकेशन के लिए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के स्टार स्टडेड वेडिंग फेस्टिविटीज को भी मिस कर दिया, और जबकि वो सोशल मीडिया के थ्रू सब पर नजर रखती रही, बेबो ने अपने हस्बैंड सैफ अली खान और किड्स तैमूर और जय के साथ अपने लवली टाइम को एंजॉय किया। खैर, पिछले महीने करीना की डेब्यू फीचर फिल्म रेफ्यूजी के रिलीज को 24 साल कंप्लीट हुए और उन्होंने इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर एक एंडियरिंग वीडियो ड्रॉप की। अपनी पोस्ट में करीना ने जहां पिछले 24 सालों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, तो साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि बेस्ट अभी आना बाकी है।
जहां तक बेबो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो नेक्स्ट रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में नजर आएगी। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, श्वेता तिवारी के साथ। निक जोनस ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में प्रियंका चोपड़ा को किया है विश। कपल के लिप किस करते ये पिक्चर हो गई है इंस्टेंटली वायरल। प्रियंका ने की ये रोमांटिक झलक देखकर आखिर उनके फैंस ने कैसे किया है रिएक्ट। प्रियंका चोपड़ा 18 जुलाई को अपना 42nd बर्थडे मनाती है और उनके बर्थडे के खास ओकेशन पर उनके रॉकस्टार हस्बैंड निक जोनस ने देसी गर्ल के लिए एक रोमांटिक बर्थडे पोस्ट शेयर की है। अपने लेटी लव प्रियंका को बर्थडे विश करते हुए निक ने सभी फैंस और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को मशी फोटोज के साथ ट्रीट किया है, जिसमें कपल के कुछ थ्रोबैक बीच वेकेशन फोटोज और बर्थडे गर्ल के कुछ स्टनिंग सोलो पिक्चर्स थी। इसी में से एक थ्रोबैक फोटो में कपल बीच पे लिप लॉक शेयर करते हुए नजर आए। वही एक स्वीट कैंडिड फोटो भी थी जिसमें दोनों बीच पर हाथ पकड़े हुए थे। इसके अलावा एक पिक्चर में प्रियंका ने पूल में येलो स्विम सूट पहने पोज दिया, जो शायद उनके प्यारे हस्बैंड ने ही क्लिक किया होगा। बर्थडे गर्ल प्रियंका की ये सन किस्ड फोटो भी शानदार थी। निक ने प्रियंका के लिए डेडिकेटेड अपने बर्थडे पोस्ट में लिखा, द वुमन दैट यू आर, हाउ लकी एम आई, हैप्पी बर्थडे माय लव। ऐसे में प्रियंका निक फैंस ने कमेंट सेक्शन में कपल के लिए चीयर किया। एक फैन ने लिखा, यू आर वन लकी गाय जीजू। एक और कॉमेंट में लिखा था, शी इज लकी टू, हैप्पी बर्थडे स्टार। बता दें प्रियंका और निक रिसेंटली इंडिया में थे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग फेस्टिविटीज अटेंड करने के लिए। प्रियंका की बारात में चिकनी चमेली पे डांस करते हुए वीडियोस सोशल मीडिया पर वाइडली शेयर की गई। दोनों निक और प्रियंका अनंत राधिका की वेडिंग फेस्टिविटीज जमकर एंजॉय करते नजर आए थे। हालांकि कपल सारी वेडिंग फेस्टिविटीज के लिए नहीं रुका और फ्राइडे का फंक्शन अटेंड करने के बाद मुंबई से चला गया। फिलहाल प्रियंका चोपड़ा अब अपनी अपकमिंग फिल्म द ब्लफ के सेट पर वापस आ चुकी है। इस फिल्म में कार्ल अर्बन भी है। इसके अलावा प्रियंका के पास एक हॉलीवुड फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट भी है, जो उन्होंने इदरिस एल्बा और जॉन सेना के साथ साइन की है। हिल बांद्रा मुंबई में कुछ नए सेलिब्रिटीज बन गए हैं नेबर्स। आथिया शेट्टी, आलिया भट्ट और कृति सानन बन गए हैं एक दूसरे के पड़ोसी। वेल, हाल ही में आथिया शेट्टी और उनके क्रिकेटर हस्बैंड केएल राहुल ने 20 करोड़ की प्राइस पर एक लग्जूरियस अपार्टमेंट को खरीदा है इन दिस एरिया। इनका नया घर संधू पैलेस के 9th फ्लोर पर और 3,350 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यही नहीं, केएल राहुल और आथिया का ये घर आलिया भट्ट और कृति सानन के हाउसेस के बहुत करीब है। बता दें, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का घर अभी सिर्फ 2 बिल्डिंग दूर है। ये कपल फिलहाल वास्तु बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन कुछ ही समय में रणबीर और आलिया अपने न्यू बंगलो कृष्णा राज में शिफ्ट हो सकते हैं, जहां फिलहाल कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। वहीं कृति सानन भी संधू पैलेस में हाल ही में शिफ्ट हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि ये लोकेशन सेलेब्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही कृति सानन जब यहाँ शिफ्ट हुई थी, उन्होंने आलिया, आरके और राहा के करीब रहने की एक्साइटमेंट दिखाई थी। वैसे ये अभी तक पता नहीं चला है कि राहुल और शेट्टी अपने नए घर में कब शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट्स
जरूर आ रही हैं कि आथिया की मॉम माना शेट्टी इस घर को डिजाइन करेंगी। ग्लैमरस दीवा और अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड मलाइका अरोरा इन दिनों स्पेन में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। हाल ही में मलाइका की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में एक मिस्ट्री मैन भी नजर आ रहा है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है। मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पर 4 तस्वीरों का एक कोलाज शेयर किया जिसमें ये मिस्ट्री मैन दिखाई दे रहा है। हालांकि उसकी तस्वीरें थोड़ी ब्लर है और चेहरा साफ नहीं दिख रहा। अब इस बीच अर्जुन कपूर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया है जिसमें अर्जुन ने लिखा है, पीस रिक्वायर्स प्रेजेंस। अर्जुन के इस पोस्ट के बाद फैंस को लग रहा है कि ये पोस्ट मलाइका की पिक्चर्स वायरल होने के बाद उनके जवाब में लिखा गया है। बता दें कि मलाइका और अर्जुन के ब्रेकअप की रूमर्स काफी समय से सामने आ रही है। पोर्टल के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच पहले बहुत करीबी रिश्ता था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि दोनों अलग हो चुके हैं। मलाइका इन दिनों अपने मिस्ट्री मैन के साथ स्पेन में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। फैंस को अब भी इस मिस्ट्री मैन के बारे में जानने की बेचैनी है। सेलिब्रिटी कपल रिचा चड्ढा और अली फसल बन गए हैं प्राउड पेरेंट्स। रिचा ने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया। कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया ऑन 16 जुलाई। वेल यस, यू हर्ड इट राइट, रिचा और अली के घर 2
दिन पहले एक बेबी गर्ल के रूप में खुशियों ने दस्तक दी है और थर्सडे 18 जुलाई को कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये गुड न्यूज अनाउंस की। आपको बता दें, ऋचा ने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज का ऐलान फरवरी में किया था। वहीं एक बेबी गर्ल के प्राउड पेरेंट्स बनने के बाद ऋचा और अली ने स्टेटमेंट जारी किया। उसमें लिखा है, वी आर टिकल्ड पिंक विद जॉय टू अनाउंस द अराइवल ऑफ अ हेल्दी बेबी गर्ल ऑन 16/07/24। आवर फैमिलीज आर ओवरजॉयड एंड वी थैंक आवर वेल विशर्स फॉर देयर लव एंड ब्लेसिंग्स। लव ऋचा चड्डा एंड अली फजल। ऋचा और अली के घर आई खुशियों से उनके फैंस भी बेहद खुश हैं। वैसे दो दिन पहले ही ऋचा चड्डा ने अपने मैटरनिटी शूट की झलक दिखाई थी, जिसमें उन्हें अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते देखा गया था और अली भी इस फोटो शूट का हिस्सा थे। ऋचा ने अपनी पोस्ट का कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था एंड रोट, व्हाट कैन अ लव सो प्योर ब्रिंग फोर्थ इनटू द वर्ल्ड बट अ बीम ऑफ लाइट। थैंक यू फॉर बीइंग माय पार्टनर ऑन दिस इनक्रेडिबल जर्नी @AliFazal9 थ्रू दिस लाइफ टाइम एंड मेनी मोर थ्रू स्टार लाइट्स एंड गैलेक्सीज। May we bring forth a warrior of light, a child of compassion, empathy, healing, and above all, Amin. Comments are off because this is the most private thing I have posted. Richa ke maternity shoot ke ye pictures internet par viral ho gaye the. आपको बता दें, ऋचा और अली ने 2020 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी। उन्होंने अपनी यूनियन को 2022 में सेलिब्रेट किया था। वर्क फ्रंट पर ऋचा लास्ट संजय लीला भंसाली के हीरा मंडी द डायमंड मजार में नजर आई थी, जहां उन्होंने लज्जू का किरदार निभाया था। जबकि अली फजल की लास्ट स्क्रीन आउटिंग मिर्जापुर 3 थी। इसमें उन्होंने गुड्डू पंडित के अपने कैरेक्टर से फिर से लोगों का दिल जीत लिया था। वेल, अली और ऋचा अब अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए ऑल सेट एंड एक्साइटेड है। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर श्रद्धा कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड स्क्रीन राइटर राहुल मोदी के साथ शादी की खबरों पर बात की। आपका लुक है और जैसे आप दुल्हन बनकर आई हो, ये तो अभी का था, तो लोगों का लोग इंतजार करें कि आप रियल लाइफ में कब दुल्हन बनेंगे। वो स्क्रीन है, उसे जब दुल्हन बनना है वो बनेगी। एक्ट्रेस आलिया भट्ट को जूम के कैमरास ने एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया फिल्म अल्फा के सेट पर और आलिया अपने ऑल ब्लैक अवतार में नजर आई। आलिया के इस पूरे लुक को देखकर साफ समझ आ रहा है कि वो कोई एक्शन सीन शूट कर रही हैं। आपको बता दें, आलिया इस फिल्म से यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स में एज अ फीमेल स्पाई एंटर कर रही हैं। अनन्या पांडे की कजन अलाना पांडे फिलहाल अपने न्यू बॉर्न बेबी और हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही हैं और अलाना ने अपने न्यू बॉर्न बेबी और हस्बैंड इवोर मैक्रे की कुछ पिक्चर्स को शेयर किया है अलोंग विद द कैप्शन बेबीज डे आउट। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की डॉटर सारा तेंदुलकर के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर हर जगह न्यूज वायरल हो रही है। इसी बीच सारा तेंदुलकर को एक स्टूडियो के बाहर पार्क्ड वैनिटी वैन से बाहर निकलते हुए देखा गया एंड शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन दिस ब्लू ड्रेस। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने घर के खाने की तस्वीर को शेयर किया है और लिखा है कि उन्होंने 2 वीक्स तक अपने घर के खाने को मिस किया। इस पिक्चर में घर के लजीज दाल चावल को श्रद्धा अपने हाथों से खा रही हैं। इस पिक्चर को श्रद्धा ने कैप्शन दिया, 2 हफ्ते बाद घर का खाना, कितना मिस किया, ये समझाऊं कि चुपचाप खाऊं।